खबर शिवपुरी जिले के नवरल तहसील से है, जहां नरवर में आधार केंद्र चलाने वाली संचालिका करिश्मा वर्मा ने आज जनसुनवाई में शिकायत करते हुए बताया कि नरवर नगर परिषद के पार्षद पतियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पैसे की मांग की जाती है। मैंने इसका विरोध किया तो मुझ पर ज्यादा पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए आधार कार्ड केंद्र बंद कराने की धमकी दी जा रही है। आधार कार्ड की समस्या लेके आई हूँ। वहाँ के जो पार्षद पति हैं रोज आते हैं। उस एक टाइम पे जब ऑफिस में कोई नहीं था, मैं अकेली थी उस टाइम पे, तो उन्होंने आके मुझसे चार्जेस पूछे। मैंने उनको पूरा चार्जेस बताया कि हम फ्री भी बनाते हैं बच्चों का नया एनरोलमेंट, और जिसका जिसकी जो फीस होती है वो लेते हैं, 50 रुपए का डेमोग्राफिक करते हैं, सब बताया उनको। तो वो मतलब अपने लोगों को भेजकर उन लोगों से शिकायतें करवा रहे हैं कि हम ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं लोगों से, और गाली गलौज करके जाते हैं डेली, और मुझसे कहते हैं कि अगर आप हमें कमीशन नहीं दोगे तो आप अपना सेंटर नहीं चला पाओगे, हम तुम्हारी मशीनें तोड़ देंगे, और चूतिया शब्द वर्ड मुझसे बोल के गए उस टाइम पे। यहाँ तक कि वहाँ के अध्यक्ष तक को गाली दी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कार्यवाही करूँगी, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर लो, कहीं तक भी कुछ भी करवा लो आप, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। उनके साथ उपाध्यक्ष भी मिले हुए हैं, बृजेंद्र सोलंकी, ब्रजेंद्र गुर्जर हैं, मानवेंद्र सोलंकी हैं। हमने उनसे कहा भी कि आपका इधर आने का कोई अधिकार नहीं बनता है, ना ही आप हमसे कुछ कह सकते हैं, पर वो उन्होंने बोला कि हम अपना रुतबा जमाना चाह रहे हैं, यहाँ पे गाली गलौज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। कितना समय हो गया इस चीज को? कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं, रोज आ रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इस चीज की शिकायत आपने संबंधित थाने में की क्या? संबंधित थाने में हमने उनको समझाने की कोशिश की सबसे पहले, कि हमने उनसे कहा भी कि आप ऐसा रोज रोज मत करो, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम डेली डेली मतलब मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, और आप डेली ऐसा कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, इसलिए हमने उधर कुछ नहीं किया, हम सीधा यहीं आए हैं। यहाँ आपको क्या आश्वासन मिला? हमें उन्होंने ये लेटर दिया है, उन्होंने बोला है कि वो आगे कार्यवाही करेंगे, अपने लोगों से शिकायतें करवा रहे हैं हमारी झूठी कि हम ओवर चार्ज ले रहे हैं, पहले ही करवा चुके हैं वो तो ये सब कुछ, लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमें कुछ न्याय मिलेगा। चल देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।